Swayam Prabha, Digital India, Educated India. वेलो स्टूडेंट्स दिस इज डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफला बी एच ओ टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस कॉन्ट्रैक्ट मेड बाई स्टेट एंड स्टेट लाइबिलिटी दिस इज माई ट्वेंटी नाइन्थ लेक्चर राज्य के द्वारा संविदा एवं राज्य के विरुद्धवाद भारतीय संविधान के अंतर्गत जब स्टेट के द्वारा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाए संविदा किया जाए तो स्टेट की क्या लाइबिलिटी होगी जहाँ पर एक पार्टी स्टेट हो दूसरा प्राइवेट पर इंडिविजुअल हो वहाँ पे और स्टेट के द्वारा यदि राज्य के कोई कर्मचारी यदि कोई रांगफुल एक्ट कमिट करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या स्टेट को हम विकेरसली वीकर, लाइब्रेरी ठहरा सकते हैं राज्य के द्वारा राज्य से तात्पर्य यहाँ पे केंद्र या राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैसियत में काम करने वाले कर्मचारी या लोक सेवकों के द्वारा यदि कोई दोषपूर्ण कार्य किया जाए रॉन्ग कमिट किया जाए तो टॉर्ट के अंतर्गत क्या उस लोक सेवक के द्वारा किए गए सिविल रॉन्ग दोषमण कार्य के लिए राज्य को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है यह भारतीय संविधान के आर्टिकल तीन सौ के अंतर्गत दिया गया है तो इस व्याख्यान के अंतर्गत हम देखेंगे कि जहाँ पर सरकार एक पक्षकार है गवर्नमेंट एक पार्टी है और दूसरा प्राइवेट इंडिविजुअल है दो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और संविधा का विखंडन यदि स्टेट के द्वारा किया जाता है तो क्या लाइबिलिटी होगी दूसरा इसमें मैंने इस टॉपिक में कवर किया है कि यदि स्टेट का कोई रिप्रेजेंटेटिव स्टेट का कोई लोक सेवक यदि कोई दोषपूर्ण कार्य करता है तो उसके लिए क्या स्टेट को हम उत्तरदायी ठहरा सकते हैं तो दोनों को एक जो स्टेट जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वह संविधान के आर्टिकल टू नाइन्टी के, नाएं के अंतर्गत है और जो स्टेट की विकैरसली लाइबिलिटी है वह संविधान के आर्टिकल तीन सौ के अंतर्गत है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब दो पक्षकार अगर दो व्यक्ति कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं संविदा करते हैं और एक उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है एग्रीमेंट के कंडीशन को ब्रीच करता है तो ऐसी स्थिति में जो कानून भारत में है उस कानून का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 तो भारतीय संविदा अधिनियम अट्ठारह जो है वह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य किए गए करार एग्रीमेंट को एनफोर्स कराती हैं और इन्फोर्स न करने पर ब्रीच करने पर क्या उसमें रेमेडी होगी उपचार होगा यह भारतीय संविधान अधिनियम अट्ठारह के अंतर्गत दिया गया है इससे संबंधित प्रावधान परंतु जहाँ पर एक संविधा के एग्रीमेंट के एक पार्टी अगर गवर्नमेंट है और दूसरी पार्टी प्राइवेट व्यक्ति है तो ऐसी स्थिति में उसके ब्रिज करने पर संविधा का विखंडन यदि स्टेट के द्वारा ही किया जाए लोक सेवक के द्वारा किया जाए तो ऐसी स्थिति में जब राज्य स्वयं संविधा का विखंडन कर दे तो प्राइवेट इंडिविजुअल को क्या अधिकार होगा उनके विरुद्ध हुआ कहाँ पर न्यायालय में वाद लाएंगे इससे संबंधित प्रावधान संविधान की आर्टिकल 299 के अंतर्गत है जो प्राय छात्रों में एक संदेह की भावना बनी रहती है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर है अगर इतना केवल पूछा जाए कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर है तो वह संविधान में लिखा हुआ है यह संविधान की आर्टिकल टू के द्वारा शासित होता है लेकिन प्राइवेट एग्रीमेंट है तो प्राइवेट एग्रीमेंट भारतीय संविधान अधिनियम अठारह से शासित होता है तो यहाँ पर केवल हम बात करेंगे कि यदि राज्य सरकार के द्वारा कोई संविदा की जाए किसी प्राइवेट व्यक्ति के से तो राज्य के द्वारा की गई संविधाएँ एग्रीमेंट राज्यपाल के नाम से होंगी उस पर राज्यपाल के नाम से संविदाएँ होंगी राज्य सरकार के अगर राज्य सरकार के द्वारा संविदा की जाती है और विखंडन की स्थिति में राज्यपाल का कोई व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं होगा न तो राज्यपाल के विरुद्ध कोई uh, कार्रवाई की जा सकती है न्यायालय में वहाँ पर स्टेट पार्टी होगा यदि संविधा का विखंडन किया जाता है तो संबंधित राज्य के विरुद्ध उदाहरण के तौर पर यदि मिस्टर एक्स और उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य संविधा होती है तो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल दो में यह प्रावधान किया गया है कि जहाँ राज्य के द्वारा की गई संविधाओं में जहाँ पर पक्षकार स्टेट है राज्य सरकार है वहाँ पे सभी संविदाएँ राज्यपाल के नाम से की जाएंगी तो ऐसी स्थिति में संविधा विखंडन के अगर विखंडन होता है ब्रीच होता है तो उसमें राज्यपाल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी बल्कि राज्य सरकार के विरुद्ध कार्रवाई होगी और मिस्टर एक्स यदि उससे एग्रीव्ड हैं संविदा के विखंडन से एग्रीव्ड हैं तो मिस्टर एक्स को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के विरुद्ध सिविल वाद दायर करना होगा संविदा विखंडन के लिए केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक उसी प्रकार से जैसे प्राइवेट संविधाओं में एक व्यक्ति के द्वारा संविदा विखंडन की स्थिति में दूसरा व्यक्ति एग्रीव जो पीड़ित है वह सिविल कोर्ट में सिविल वाद दायर कर सकता है संविदा विखंडन के लिए सीपीसी में आप जानते होंगे ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से सिविल मामलों जिस प्रकार से दो पक्षकार प्राइवेट पार्टी हैं उसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीज किया जाता है तो प्राइवेट पार्टी के विरुद्ध वाद दायर किया जा सकता है और प्राइवेट पार्टी जिसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है वह उत्तरदायी होंगे संविदा विखंडन के लिए उत्तरदायी न्यायालय ठहरा सकती है ठीक उसी प्रकार से यदि राज्य के द्वारा संविदा का विखंडन किया जाता है ब्रीच किया जाता है तो राज्य भी उस संविदा विखंडन के लिए उत्तरदायी होगा और राज्य सरकार के विरुद्ध भी सिविल वाद लाया जा सकता है इसमें कोई उपचारात्मक कोई अंतर नहीं है जो रेमेडियल डिफरेंस दोनों में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है कि अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ब्रिच करती है तो गवर्नमेंट के विरुद्ध वाद नहीं दायर कर सकता किया जा सकता है गवर्नमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रिच करती है तो ठीक उसी प्रकार से गवर्नमेंट उत्तरदायी होगी जैसे कि प्राइवेट संविदाओं में प्राइवेट व्यक्ति संविदा विखंडन के लिए उत्तरदायी होता है तो इस बात को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए और यदि भारत सरकार के द्वारा की गई संविदा है तो भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रपति के नाम से सारी संविधाएँ की जाती हैं ऑल द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी मेड इन द नेम ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया सभी संविधाएँ राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी परंतु राष्ट्रपति के विरुद्ध भी कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता है आप सभी ये जानते होंगे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति को भी संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है विशेष विशेषाधिकार प्रदान किया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध उनके पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद दायर नहीं किया जा सकता यह राष्ट्रपति और राज्यपाल को एक विशेष प्रकार की उन्मुक्ति संविधान के आर्टिकल थ्री सिक्सटी वन में दिया गया है तो इन्हीं कारणों से राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध कोई भी मुकदमा कोई भी वाद दायर नहीं किया जा सकता है परंतु यदि वृक्ष होता है संविदा विखंडित होती है तो भारत सरकार पार्टी होगी केंद्र की संविधा की स्थिति में राज्य सरकार को पार्टी बनाया जा सकता है यदि राज्य सरकार के द्वारा संविदा का विखंडन किया जाता है अब ये बातें दो हो गई कैसे प्रोसीजर क्या होगा ये संविधान में नहीं बताया गया है प्रोसीजर ठीक उसी प्रकार से जैसे सीपीसी के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा नौ में सिविल सूट को डिफाइन किया गया सिविल सूट क्या होगा तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को तो सिविल सूट माना जाएगा प्लेस ऑफ स्विंग कैसे होगा कैसे प्लेन्ट दायर होगी कैसे रिटर्न स्टेटमेंट दायर किया जाएगा समन कैसे होगा ये सारे प्रावधान सीपीसी के उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि प्राइवेट पार्टी के द्वारा संविदा विखंडन की स्थिति में लागू होता है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सोचना मैंने संविधान के आर्टिकल टू से लेकर के थ्री को लेकर के और सी की धारा नौ के अंतर्गत वह आर्डर सिक्स सेवन एट में जो प्लेन है डब्ल्यू एस रिटर्न स्टेटमेंट है सम्मन का इशू किया जाना प्रतिवादी को इसको भी आप एक साथ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जब राज्य के द्वारा संविदा विखंडन किया जाता है तो क्या उसका प्रभाव होगा उपचार क्या है रेमेडी क्या है कैसे वाद दायर करेंगे वहां पर आप उसको देख सकते हैं अब आते हैं कि राज्य के मामलों में आप स्क्रीन पर देखें राज्य के मामलों में राज्य का जो अपकृत्य के मामलों में टार्ट की केस में आप सभी जानते होंगे कि जो टार्ट है यदि किसी राज्य के कर्मचारी या लोक सेवक के द्वारा कोई सिविल रॉन्ग कोई दोषपूर्ण कार्य किया जाता है तो क्या उसमें स्टेट की लाइबिलिटी होगी संविधान की आर्टिकल 300 के अंतर्गत वर्ड यूज किया गया है कि स्टेट कैन शू एंड कैन बी सूड तो इसमें एक स्टेट को भी राज्य को भी लीगल पर्सन लीगल पर्सन माना गया है अगर इस तरह इसको देखा जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन सू एंड कैन बी सूड स्टेट गवर्नमेंट कैन सू एंड कैन बी सूड भारत सरकार वाद ला सकती है और भारत सरकार के विरुद्ध वाद लाया जा सकता है राज्य सरकार वाद ला सकती है और राज्य सरकार के विरुद्ध वाद लाया जा सकता है संविधान के आर्टिकल थ्री के अंतर्गत जैसे विधिक व्यक्ति होता है लीगल पर्सन होता है लीगल पर्सन के परिभाषा ही है कि एन एंटिटी विच कैन शू एंड कैन बी शूड जिसके विरुद्ध वाद दायर किया जा सकता है और जो वाद ला सकती है लीगल पर्सन विधिक व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो यह संविधान की आर्टिकल तीन सौ थ्री हंड्रेड है वो भारत सरकार और राज्य सरकार को एक वेधिक व्यक्तित्व प्रदान करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट जो है वह किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध वाद दायर कर सकते हैं यदि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रभावित है या राज्य सरकार प्रभावित है किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य से तो राज्य सरकार उस व्यक्ति के विरुद्ध वाद दायर कर सकती है वही है जो कि अगर संविदा विखंडन कोई प्राइवेट पार्टी कर देता है सरकार से संविदा किया है गवर्नमेंट से अग्रीमेंट किया है परंतु गवर्नमेंट के से संविदा करने के पश्चात वह व्यक्ति जो प्राइवेट व्यक्ति है वह सरकार की सेवा शर्तों को पालन नहीं करता तो गवर्नमेंट को अधिकार है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध वाद दायर कर दे तो जब गवर्नमेंट के द्वारा भी वाद दायर किया जा सकता है उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने दोषपूर्ण कार्य किया है और ऐसा कोई भी प्राइवेट व्यक्ति राज्य के विरुद्ध भी वाद दायर कर सकता है यह संविधान की आर्टिकल थ्री के अंतर्गत दिया हुआ है अब इसको एक एक करके देखेंगे आपको स्लाइड में कि स्टेट का जो प्रतिनिधिक दायित्व तो है एक तो बात ये साबित हो गई कि जो स्टेट का स्टेट की जो लाइबिलिटी है उसको भी आप मैंने देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ स्टेट का प्रतिनिधि दायित्व तो, प्रतिनिधिक दायित्व तो से तात्पर्य यहाँ पर, पर वाइकेरियस लाइबिलिटी आप सभी जानते होंगे टॉर्ट के अंतर्गत कि एक लैटिन मैगजीम है क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी और क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट का तात्पर्य है कि जो दूसरे के द्वारा कार्य करता है वह स्वयं कार्य करता है विधि मानती है ला प्रज्यूम्स दैट अ पर्सन हु ऑन बिहाफ ऑफ एनदर कैन बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल पर्सनली इंडिविजुअली जो व्यक्ति दूसरे के द्वारा कार्य करता दूसरे के माध्यम से कार्य करता है वह स्वयं कार्य करता है यह विधि मानती है इसको इसी तरह से एज्यूम करते हुए व्यक्ति को प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है उदाहरण के तौर पर जहां पर सर्वेंट के द्वारा कोई दोषपूर्ण कार्य किया जाता है तो यह माना जाता है कि जो उसका मालिक है मास्टर कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोंग कमिटेड बाई हिज सर्वेंट दूसरा प्रिंसिपल एजेंट की जो रिलेशनशिप है कि इफ एजेंट हैज कमिटेड सिविल रॉन्ग देन प्रिंसिपल कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मैंने आपको बताया कि अगर एल का कोई एजेंट है एल का एजेंट यदि आपसे पैसा लेता है प्रीमियम लेता है और भुगतान नहीं करता कंपनी को पैसा दुरुपयोग कर लेता है तो जो एल का एजेंट है उस एजेंट के द्वारा किए गए दोषपूर्ण कार्य के लिए जो उसका मास्टर है जो प्रिंसिपल है मतलब एल कंपनी है उस दैट कंपनी कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट और आपके पास राइट है कि आप उतना पैसा जितना आपने उसको दिया है एजेंट को जिस तारीख में दिया है आपके पास रसीद है आप उसको साबित कर सकते हैं तो यू कैन गेट योर मनी यू कैन टेक बैक योर मनी टू विच यू हैव गिवन टू योर एजेंट तो प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशनशिप है उसमें एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को दूसरे को उत्तरदायी हम ठहरा रहे हैं ठीक इसी प्रकार से जैसे कि नौकर के द्वारा किए गए कार्य को कि नौकर अगर दोषपूर्ण कार्य करता है तो उसके लिए हम मालिक को उत्तरदायी ठहरा सकते हैं तो ये वैसे पार्टनर है फर्म है दो व्यक्ति मिलकर के कोई फर्म स्टेब्लिश किए हैं एक पार्टनर जो है कोई उसमें उस फर्म से अनुचित लाभ लेने लगता है तो ऐसी स्थिति में जो दूसरा पार्टनर है गरीब है उस अपने भागीदार के विरुद्ध वाद दायर करके वह उतना नुकसान प्राप्त कर सकता है जितना कि वह पैसा उसका दूसरा भागीदार पार्टनर ने उससे अनुचित तरीके से लाभ लिया है फर्म से तो यह, यह जो लाइबिलिटी है इसको हम वाइकेरियस लाइबिलिटी कर बोलते हैं टॉर्ट के अंतर्गत ठीक उसी प्रकार से स्टेट की भी लाइबिलिटी है स्टेट इज़ वाइकेरियसली लाइबिल फॉर द रंगफुल एक्ट कमिटेड बाई इट्स रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि जो भी सरकारी कर्मचारी लोक सेवक हैं चूंकि वह सरकार के लिए काम करते हैं दे आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट वे सरकार के प्रतिनिधि हैसियत से काम करते हैं तो दे आर कंसिडर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट वे राज्य के प्रतिनिधि माने जाते हैं यदि वे कोई दोषपूर्ण कार्य करते हैं तो उनके द्वारा किए गए दोषपूर्ण कार्य के लिए जो व्यक्ति क्षतिग्रस्त है जो पीड़ित है वह राज्य से उतना क्लेम कंपनसेशन प्राप्त कर सकता है साधारण इसको ही मैंने स्लाइड के माध्यम से आपने देखा उस पर लिखा हुआ है कि एक संप्रभु कृत्य है दूसरा है इसको असम्प्रभु कृत्य सौरेन फंक्शन नॉन सौरेन फंक्शन संप्रभु कृत्य से तात्पर्य उन कार्यों से है जो राज्य के द्वारा पदीय कर्तव्यों को लोक न्याय की अभिवृद्धि के लिए किए गए कार्य के दौरान यदि कोई क्षति हो जाए तो राज्य उसके लिए उत्तरदायी नहीं होती ऐसे फंक्शन को कार्य को सौरेन फंक्शन संप्रभु कार्य की संज्ञा दी गई कि अगर राज्य कोई लोक न्याय की वृद्धि के लिए कोई कार्य करती है तो उस दौरान यदि कोई क्षति हो जाए जैसे आपने देखा होगा कि कहीं अगर अग्निशमन का जो गाड़ी जाती है कहीं आग लगी हुई सूचना मिली है अगर वो बहुत तेजी से जा रही है उसमें कहीं अगर कोई एक्सीडेंट उसके उस गाड़ी से वाहन से अगर कोई दुर्घटना भी हो जाए तो उस बड़ी छाती बड़ी हानि को निवारित करने के लिए छोटी अगर हानि हो जाती है तो वह वहाँ पर सरकार अपने कार्य को न्यायोचित ठहरा देती है कि चूंकि हमको बड़ी हानि रोकना था वहाँ पे कहीं आग लगी हुई थी और वह वाहन जा रहा था उसके बीच में कोई व्यक्ति आ गया एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए स्टेट को उत्तरदायी न ठहराया जाए तो यह कार्य संप्रभु कार्य है असंप्रभु कार्य है कि अगर कोई पुलिस कांस्टेबल है या कोई भी पुलिस अधिकारी है यदि सेवा योजना के दौरान किसी को अरेस्ट करने जाता है गिरफ्तार करने जाता है मिस्टर एक्स को गिरफ्तार कर लाता है मिस्टर वाई को तो उसके कार्य को क्षम में घोषित किया जा सकता है अगर मिस्टेक का फैक्ट हो गया तथ्य की भूल हो गई मैंने इसके पहले लेक्चर में आपको बताया था लेकिन जाकर के अगर वहाँ घूस मांगता है पैसा ले लेता है तो वह सरकार का संप्रभुकृत्य के श्रेणी में नहीं आएगा वह उसके द्वारा पैसे का लेना वह गवर्नमेंट का कार्य नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा जो एथराइज किया गया कार्य है सरकार के द्वारा जो प्राधिकृत किया गया कार्य है वह है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को शक्ति दी गई है परंतु जो उसके अतिरिक्त मनी ले रहा पैसा ले रहा है वह पुलिस का अतिरिक्त कार्य है वह सरकारी उसके सौरेन फंक्शन की श्रेणी में नहीं आएगा तो ऐसी स्थिति में जब राज्य के द्वारा राज्य के लोक सेवक राज्य के कर्मचारी यदि कोई दुष्मन कार्य करते हैं उदाहरण के तौर पर अगर सरकारी कोई जीप है गाड़ी है कार है वह अगर सर ड्राइवर लेकर के आ, किसी अधिकारी को घर से निकलता है लेने के लिए और रास्ते में वह जो सरकारी गाड़ी है उससे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है दुर्घटना हो जाता है तो सरकार अपने उस दायित्व से पीछे नहीं हट सकती है नहीं कर सकती कि चूंकि ड्राइवर सरकारी है सरकारी ड्राइवर अपने अधिकारी जिलाधिकारी को डीएम को लेने जा रहा था और जैसे ही वह कार लेके आगे बढ़ा व्यक्ति किसी व्यक्ति की लापरवाही से दुर्घटना हो गया इसलिए स्टेट उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगी यहाँ पर राज्य उत्तरदायी होगा स्टेट की लाइबिलिटी होगी और जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है वह उतना कंपनसेशन प्राप्त कर सकता है जितना उसको क्षति हुई है इसको उच्चतम न्यायालय माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यहाँ पर हम स्टेट के दायित्व को संप्रभु कार्य के आधार पर कि वह संप्रभु कार्य कर रहा था गवर्नमेंट कार्य कर रहा था इसलिए हम सरकार को क्षम्य कर दें ऐसा नहीं हो सकता है इसको उदाहरण केस के माध्यम से समझेंगे कि किस केस में इस सिद्धांत को लागू किया गया किस केस में तो आप स्लाइड पर स्क्रीन पर देखें दो केस मैंने लिखा है इस पर एक तो है कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए आई आर सुप्रीम कोर्ट दूसरा केस है विद्यावती वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान ए आई आर सुप्रीम कोर्ट पहले विद्यावती केस को लेते हैं तब ऊपर आते हैं कि कस्तूरी लाल केस में क्या हुआ विद्यावती बनाम राजस्थान राज्य के केस में जो फैक्ट क्या था कि याचिकाकर्ता का पति उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब राजस्थान राज्य सरकार की जीप के द्वारा जीप ड्राइवर लेकर के घर से जा रहा था और जैसे ही निकला वैसे ही याचिकाकर्ता विद्यावती का पति उसी जीप सरकारी जीप से दब करके उसकी मृत्यु हो गई अब जब विद्यावती के द्वारा उस अपने पति की मृत्यु के लिए राज्य सरकार के विरुद्धवाद दायर किया गया तो हाईकोर्ट में राजस्थान हाईकोर्ट में कहा गया कि यह चूंकि संप्रभु कार्य था और सरकार सरकारी जीप थी सरकारी ड्राइवर है और वह अपने किसी अधिकारी को लेने जा रहा था तो चूंकि वह कार्य करने इसमें डाक इसमें इसमें ड्राइवर की कोई लापरवाही नहीं कोई उसकी गलती नहीं क्योंकि वह जो कार्य कर रहा था वह सरकारी कार्य कर रहा था सरकार के द्वारा अधिकृत कार्य कर, करने के लिए वह अधिकारी को लेने जा रहा था और उस जीप से उसकी दुर्घटना परंतु जब मामला यह सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर संप्रभु कृत्य को के आधार पर हम राज्य को क्षम नहीं कर सकते इसमें डेथ हुई है मृत्यु हुई है और यह राज्य सरकार सौ सोरेन फंक्शन का बचाव नहीं ले सकती है अतः तो राज्य सरकार कंपनसेशन क्षतिपूर्ति देने के लिए विद्यावती को बाध्य है इसलिए विद्यावती को क्षतिपूर्ति प्रदान किया गया प्रतिकर प्रदान किया गया दूसरा मामला जो कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का है इसका तथ्य फैक्ट और निर्णय थोड़ा सा विपरीत आया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में क्या था कि व्हाट हैपेंड इन दिस केस कस्तूरी लाल एक गोल्ड व्यापारी सोने का व्यापारी है और वह कुछ सोने लेकर के अपने व्यापारिक प्रयोजनों के लिए घर से निकला पुलिस छानबीन कर रही थी पुलिस ने छानबीन के दौरान पाया कि इसके पास से गोल्ड है सोना है उसने पुलिस ने इस शर्त के साथ कि जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आएगा जब तक आप इसका उचित आधार नहीं बताएंगे कि क्या आप कर रहे हैं कहाँ से व्यापार कर रहे हैं लाइसेंस है या नहीं है तब तक यह सोना मालखाने में जमा हो जाएगा और जब न्यायालय से निर्णय हो जाएगा तो ये सोना मालखाने के द्वारा आपको वापस कर दिया जाएगा अब कस्तूरी लाल इस शर्त के साथ अपना सोना जमा कर दिया मालखाने में और उसने केस फाइल कर दिया सरकार के विरुद्ध कि वह चूँकि व्यापार करता है सोने का उसके सोने को पुलिस ने किस आधार पर इसी दौरान जब मामला हाई कोर्ट में आया या सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और कस्तूरी लाल ने कहा कि चूंकि वह व्यापारी है और राज्य सरकार के कर्मचारी के द्वारा जो पुलिस है वह राज्य के प्रतिनिधि के राज्य के बिहाव पे काम कर रही है तो यह यहाँ पर कांस्टेबल के द्वारा मालखाने में गोल्ड को जमा करना यह दोषपूर्ण कार्य है और इस दोषपूर्ण कार्य के लिए याचिकाकर्ता कस्तूरी लाल को क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाए और सरकार के जो पुलिस अधिकारी उनको उत्तरदायी ठहराया जाए सरकार की तरफ से उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो दलील प्रस्तुत की गई 1965 में इस केस में गवर्नमेंट की तरफ से जो प्ली लिया गया तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि कांस्टेबल वह कार्य करने के लिए विधि द्वारा अधिकृत थे और चूंकि दे परफॉर्मिंग सॉर फंक्शन वे संप्रभु कृत्य का निष्पादन कर रहे थे जो कुछ भी उन्होंने निर्णय लिया वह निर्णय लेने के लिए कानूनी रूप से वे सशक्त थे एम्पावर्ड किए गए थे अतः उन्होंने कोई अपराध नहीं किया इसी बीच क्या हुआ कि जो मालखाने में कांस्टेबल ने वो पैसा वो सोना जमा किया था वह उस सोने को लेकर के पाकिस्तान भाग गया जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि जो सोना आपने इसका जब्त किया है उस सोने को आप इसको वापस किया है। हैंड करिए तो सरकार की तरफ से न्यायालय में तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के समझ कि जिस कांस्टेबल के द्वारा वो दायित्व दिया गया था मालखाने का जो इंचार्ज था और सोना रखा था वह उस व्यापारी के सोने को लेकर के फरार हो गया है और उसको पता चला है कि वह भारत छोड़ के पाकिस्तान चला गया अब ऐसी स्थिति में उसको अपना ही सोना वापस नहीं मिल पाया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति में अब आप देखें थोड़ा सा इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि चूंकि कांस्टेबल के द्वारा जो कार्य किया जा रहा था सोने का जब्त करना संतोषजनक जवाब न देने पर सोने को जब्त किया जाना मालखाने में रहना यह पुलिस का संप्रभु कार्य था शौरन फंक्शन था वह कार्य करने के लिए विधि द्वारा अधिकृत थे अतः राज्य उत्तरदायी नहीं है और कस्तूरी लाल को अपना सोना उसमें प्राप्त नहीं हुआ तो दो निर्णय यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि एक केस में विद्यावती की केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसने जो विद्यावती है इसके इसने अपने पति को खोया है और स्टेट की स्टेट सरकारी गवर्नमेंट की जो है जीव से ऐसा हुआ है तो वो गवर्नमेंट इसके लिए उत्तरदायी मानी जानी मानी जाएगी लेकिन कस्तूरी लाल की केस में सुप्रीम कोर्ट ने सौरेन इम्यूनिटी को एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि संप्रभु कार्य के आधार पर राज्य को इस कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता ऐसी स्थिति में दो निर्णयों के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे कि अब आगे की केस में कि स्टेट की क्या लाइबिलिटी अन्य अपराध अन्य मामलों में स्टेट को कितना उत्तरदायी ठहराया गया है देखिए स्लाइड पर देखें संप्रभु कृत्य बचाव नहीं मैंने इसको हेडिंग लिखा है जो सोरेन इम्यूनिटी है सोरेन फंक्शन जो है दैट वुड नॉट बी दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज गुड डिफेंस संप्रभु कृत्य बचाव नहीं होगा अब सुप्रीम कोर्ट ने अब बाद के मामलों में कस्तूरी लाल के बाद के जब मामले सुप्रीम कोर्ट के समझ गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ये प्ली नहीं ले सकती कि जो कार्य कर रही थी ये सरकार को किसी स्टैचूट विधि के अंतर्गत वह कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया था यदि गलती हुई है सरकार के कर्मचारी के द्वारा तो उस गलती के लिए उस गलती की भरपाई जो है गवर्नमेंट को करना होगा चाहे वो भारत सरकार का कर्मचारी हो या राज्य सरकार का कर्मचारी हो अब इस केस को देखें मैंने एक तरफ लिखा हुआ है स्लाइड स्क्रीन पर कि सोरेन फंक्शन की इम्यूनिटी नहीं है आप सभी ये जानते हैं कि किसी विधि के अंतर्गत यदि कोई भी प्रावधान किया गया है कि ऐसी परिस्थितियों में कोई भी सरकार का कर्मचारी या लोकसेवक हित में लोकहित में उचित निर्णय ले सकेगा तो उचित निर्णय लेने का एक कदापि अर्थ नहीं है कि वह उसमें अपने सरकारी कार्य के नाम पर गलत कार्य को भी जस्टिफाई कर दे यदि कहीं पर भी रंच मात्र भी गलती हुई है तो उस गलती के लिए गवर्नमेंट को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है अभी इस केस में आप देखें दो केस के माध्यम से समझ में आएगा पहला है रुदल शाह बनाम बिहार राज्य ए आई आर सुप्रीम कोर्ट अब इस रुदल शाह का केस आप सभी जानते होंगे ये टॉर्ट में भी है आई उसमें संविधान में भी है यहाँ स्टेट लाइबिलिटी में भी है इसमें क्या घटना घटित हुई कि रुद्दल शाह को वर्ष उन्नीस में 1968 में ही दोषमुक्त कर दिया गया और दोषमुक्ति के पश्चात जो है उसको छोड़ दिया जाना चाहिए था 1968 में परंतु उसे 14 वर्ष तक जेल में रखा गया 1982 में उसे छोड़ा गया और तर्क दिया गया जब उसे 14 वर्ष तक वह जेल में रहा तर्क दिया गया कि जो न्यायालय की आर्डर की कापी है वह जेल अधीक्षक को मिली ही नहीं और जब जेल अधीक्षक को मिली ही नहीं तो जेल अधीक्षक रुदल शाह को छोड़ा ही नहीं उसको मालूम नहीं कि इसमें दोष मुक्ति हुई या नहीं हुई है अब इस मामले में चूंकि 14 अवस्त तक सरकार की लापरवाही से जेल अधीक्षक की लापरवाही से किसी अभियुक्त को जेल में रहना पड़ा तो इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि यह सरकार बचाव नहीं ले सकती बिहार सरकार उच्चतम न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत की कि जो भी कार्य किया गया वह यद्यप किसी एक व्यक्ति की लापरवाही हो सकती है परंतु वो कार्य जो थे इसके लिए सरकार को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है व्यक्ति जो जेल अधीक्षक है व्यक्तिगत रूप से उसकी उत्तरदायी हो लेकिन यह कार्य जो स्टेट की जो लाइबिलिटी है वह संप्रभु कार्य सरकारी कार्यों के लिए और इसमें भी आप ये देखें कि इसमें भी संप्रभु कार्य को डिफेंस के रूप में लिया गया बचाव के रूप में तर्क प्रस्तुत किया गया बिहार सरकार के द्वारा परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हम सरकारी कृत्य को कि ये विशेषाधिकार प्राप्त है सरकार को इस आधार पर हम उसके दायित्व तो को मतलब उसको उत्तरदायी न ठहराएँ संप्रभु सोरेन इम्यूनिटी को नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रुद्दल शाह के चौदह वर्षों के महत्वपूर्ण समय को जो बर्बाद किया है राज्य सरकार का जो अधिकारी है जेल अधीक्षक है उसके लिए उसको उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए और जिसके स्वरूप बिहार सरकार ने तीस हज़ार रुपये जुर्माना तीस हज़ार रुपये प्रतिकर देने के लिए आदेशित किया उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार को निर्देशित किया कि वह तीस हजार रुपए रुद्र शाह को कंपनसेशन के रूप में क्षतिपूर्ति के रूप में उसे दें दूसरा इसमें महत्वपूर्ण केस आप देखें भीम सिंह से जम्मू कश्मीर राज्य ए आई आर सुप्रीम कोर्ट मैंने इसमें स्क्रीन इस पर एक लिखा हुआ है लैटिन जो मैगजीम है ओ बी जैस इबी रेमेडियम वेयर देयर इज राइट देयर मस्ट बी रेमेडी कि जहां अधिकार है वहां उपचार का होना आवश्यक है यह केस स्टॉर्ट में भी इंजूरिया साइन डैमनम में भी इम्पॉर्टेंट है संविधान संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट है अनलाफुल अरे, अरेस्ट के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर जो इसलिए मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस केस को कहाँ कहाँ आप रेफर कर सकते हैं कहाँ कहाँ लिख सकते हैं इस मामले में जो घटना घटित हुई उसका संक्षेप में मैं तथ्य आपको बताऊँ कि भीम सिंह जो जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा के एक सदस्य थे वो वर्तमान में पैंथर पार्टी के अध्यक्ष भी हैं एक उनकी पार्टी है ये जब विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने जा रहे थे तो इनको पुलिस ने जम्मू कश्मीर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया अरेस्ट कर लिया यद्यप कि विधानसभा की, की कार्रवाई में इनके न जाने से कोई प्रतिकूल विधानसभा की कार्रवाई की वैधता प्रभावित नहीं हुई न तो उसकी उसकी कार्रवाई को अवैध या वैध ठहराया गया इनके विधानसभा में न सम्मिलित होने से विधानसभा की कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा परंतु फिर भी इनकी जो गिरफ्तारी हुई पेटिशनर की भीम सिंह की जो गिरफ्तारी हुई वह उस गिरफ्तारी को उच्चतम न्यायालय ने अवैध करार दिया और राज्य सरकार के इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया कि पुलिस अधिकारियों के जो गिरफ्तारी की गई थी वह गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी कानूनी रूप से सशक्त थे सक्षम थे उनको कानून में शक्ति प्रदान है कि, कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है जिस पे उसको संदेह हो तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने माना किया सोरेन फंक्शन नहीं है बिना किसी उचित आधार के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना उसके जीवन के अधिकार से उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है इससे उसे वंचित करना है और गिरफ्तारी को अवैध करार दिया गया अवैध करार दिए जाने के पश्चात उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देशित किया कि पेटिशनर भीम सिंह को पचास हज़ार रुपये कम्पन्सेशन क्षतिपूर्ति दी जाए क्योंकि जो गिरफ्तारी हुई है उससे उनके संविधान के आर्टिकल इक्कीस में प्रत्याभूत मौलिक अधिकार का, का उल्लंघन हुआ है इस केस को पुनः अब देखते हैं इसमें और भी केस राज्य का देखें मैंने एक स्क्रीन पर लिखा हुआ राज्य का अपकृत्यात्मक दायित्व तो टार्टियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट कब स्टेट को टॉर्ट के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जब उसके प्रतिनिधि के द्वारा कोई दोषपूर्ण कार्य किया जाता है तो मैंने एक इस पर लैटिन मैगजीन लिखा हुआ है क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी इसका इंग्लिश वर्जन है जो इंग्लिश में अर्थ होता है कि अ पर्सन हु ऑन बिहाफ ऑफ इज इंसिडर दैट ही हिमसेल्फ हैज कमिटेड दैट तो इसका इंग्लिश में अर्थ हो गया कि अ पर्सन हु ऑन बिहाफ ऑफ एनदर कमिट्स दैट टॉर्ट हिमसेल्फ तो वह स्वयं कार्य करता है ये कानून मानती है जो दूसरे के द्वारा कार्य करता है अर्थात मैंने आपको बताया कि ये जो प्रतिनिधि दायित्व का सिद्धांत है कि नौकर के द्वारा किए गए दोषपूर्ण कार्य के लिए मालिक को उत्तरदायी ठहराना एजेंट के द्वारा किए गए दोषपूर्ण कार्य के लिए प्रिंसिपल को उत्तरदायी ठहराना ये इसी सिद्धांत पर आधारित है अब इसमें दो केस है पी यू डी आर वर्सेज पुलिस कमिश्नर डेली 1989 और एक केस है सहेली वर्सेज पुलिस कमिश्नर डेली ए आई आर नाइनटीन अब आप देखें कस्टोडियल वायलेंस के मामलों में भी जब ये केस सहेली वर्सेस पुलिस कमिश्नर दिल्ली है एक गैर सरकारी संस्था ने दिल्ली में एक नौ वर्ष के बालक की पुलिस के द्वारा पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु कर दी गई थी नौ वर्ष के बालक को चोरी के आरोप में पुलिस ने पुलिस थाने में बुलाया और उसी दौरान उसको मारने पीटने से उस नौ वर्ष बालक की मृत्यु हो गई चूंकि बच्चा जो है वह गरीब तबके का था उसके परिवार वाले उस मामले को न्यायालय के समक्ष लाने में असमर्थ थे इसलिए उस मामले को इस संस्था ने लड़ाई लड़ी और इस संस्था ने सुप्रीम कोर्ट तक के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये वाद दायर किया कि पुलिस कमिश्नर दिल्ली को उत्तरदायी ठहराया जाए और जो पुलिस अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे उस बच्चे की मृत्यु कारित करने में उनको भी उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की जाए यहाँ पर भी आप देखें बड़ी विचित्र स्थिति है कि इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से संप्रभुता का बचाव लिया गया कि संप्रभु जो कार्य है शौरन फंक्शन है पुलिस का कार्य करना पूछताछ करना इंट्रोगेशन करना पुलिस किसी भी ऐसे व्यक्ति को संदेहास्पद व्यक्ति को पुलिस थाने बुला सकती है उससे पूछताछ कर सकती है तो जो पुलिस कार्य कर रही थी वह शौरेन फंक्शन था और जो मृत्यु हुई थी वह उस पुलिस के मारने से नहीं हुई थी जबकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये रिवील करती थी कि उस बच्चे के जो शरीर में अंदरूनी चोटें आई थी और चोट मृत्यु का कारण जो है वह चोट थी तो सरकार की तरफ से ये तर्क प्रस्तुत करना कि पुलिस पूछताछ करना जो उसका है उसका संप्रभु कार्य है यह कानून के द्वारा एम्पावर्ड है वह पुलिस यह कार्य करने के लिए इंट्रोगेशन करने के लिए पूछताछ करने के लिए अतः तो पुलिस को इसके लिए उत्तरदायी न ठहराया जाए वरना पुलिस हतोत्साहित होगी पुलिस प्रशासन हतोत्साहित होगा तो यह तर्क मानने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको हम संप्रभु कार्य नहीं मान सकते और इतनी लिबर्टी नहीं हो सकती पुलिस प्रशासन को कि संप्रभु कार्य के आधार पर वह व्यक्ति के मानवाधिकार को भी वायलेशन करें और उनको क्षम कर दिया जाए ऐसी स्थिति में संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई करने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया और संबंधित दिल, दिल्ली प्रशासन को उस मृतक की मां को प्रतिकर देने के लिए कंपनसेशन देने के लिए भी निर्देशित किया गया कि राज्य सरकार उस मृतक की मां को प्रतिकर क्षतिपूर्ति प्रदान करे कंपनसेशन प्रदान करे तो यहाँ पे देखें कि इस केस के माध्यम से कैसे आ, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट लाइबिलिटी को जो है स्टेट की लाइबिलिटी को फिक्स किया है कि राज्य उत्तरदायी होगा यदि ये साबित हो गया कि स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी में कोई भी पब्लिक सर्वेंट कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर दोषपूर्ण कार्य करता है तो उसके लिए वह उत्तरदायी होगा कंपनसेशन राज्य को देना होगा वहाँ पे संप्रभुता का बचाव जो संप्रभु कृत्य है शौरेन फंक्शन उसको नहीं माना जा सकता है अब इसके आगे आते हैं आ, कुछ और केस हैं जिससे इसमें और क्लैरिटी आएगी कि स्टेट लायबिलिटी से संबंधित मैंने देखिए लिखा हुआ है महत्वपूर्ण वाद नीलावती बेहरा वसेज उड़ीसा राज ए आई आर नाइनटीन थ्री एक कस्टोडियल डेथ का मामला है अभिरक्षा में मृत हुई थी संप्रभु की उन्मुक्ति का सिद्धांत लागू नहीं हुआ आप ये कल्पना करें कि वो वर्ष उन्नीस तक भी गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में प्ली ले ली जाती रही कि उसमें जो पुलिस इन्वॉल्व थे उनको क्षम कर दिया जाए छोड़ दिया जाए क्योंकि दे वे परफॉर्मिंग परफार्मिंग फंक्शन तो ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना अभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे खत्री बनाम बिहार राज्य आई आर इसको भागलपुर ब्रांडेड प्रिजनर केस के नाम से भी जानते हैं ये केस मैंने आपको संविधान के आर्टिकल 21 में जब बता रहा था तो वहाँ पे डिस्कस किया था जनहित याचिका पीआईएल बता रहा था वहाँ पे भी ये केस इम्पॉर्टेंट है यह केस स्टार्ट में स्टेट लाइबिलिटी के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर देखें कि दो केस नीलावती बेहरा का जो केस था इसमें कैसे इस्टेट की लाइबिलिटी फिक्स की गई और संक्षेप में इसको इसके तथ्य को मैं बताऊँ कि इस केस में जो पेटिशनर है नीलावती बेहरा इसने अपने 16 वर्षीय बालक को खोया था उसके 16 वर्षीय बालक की मृत्यु हो गई थी उस दौरान मृत्यु हो गई जब इसके बालक को पुलिस थाने में पूछताछ के लिए बुलाई गई और जब पुलिस वालों ने उसके याचिकाकर्ता के 16 वर्षीय बालक से पूछताछ किया पूछताछ के बाद उसका बालक दूसरे दिन उसके बालक का शव जो है डेड बॉडी समीप के ही रेलवे ट्रैक पर पाया गया कुछ दिनों के पश्चात जब उसका बच्चा वापस नहीं आया तो नीलावती बेहरा ने पुलिस से पूछा पुलिस ने बोला कि नहीं बच्चे को हम लोग बुलाए थे लेकिन यहाँ से कहाँ गया पुलिस को कोई सूचना नहीं है नीलावती बेहरा ने गुमशुदी की जो रिपोर्ट दर्ज की गई पहले तो उसको रिपोर्ट को भी नहीं दर्ज किया जा रहा था नीलावती बेहरा ने उच्चतम न्यायालय को एक लेटर पत्र पत्र भेजा कि इस स्थिति में ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में संज्ञान लेते हुए जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी इसको मैं संक्षेप में बहुत सारा सच को इसको न करते हुए संक्षेप में मैं बताने का प्रयास करूंगा कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात को डॉक्टरों ने एक, रिवील किया था कि पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट थी रिवील करती थी कि जो 16 वर्षीय बच्चा था उसके शरीर के अंदरूनी चोटें थी फ्रैक्चर थे उसमें उसके हड्डियों हड्डियाँ टूट गई थी तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और नीलावती बहरा याचिकाकर्ता के लेटर को लेटर पिटिशन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह निर्णित किया कि यह पुलिस का यह कहना कि उस बालक को पूछताछ के लिए बुलाया गया उसके बाद वह कहाँ गया यह झूठा प्रतीत होता है क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे यह साबित होता है कि बच्चे की मृत्यु जो है वह अंदरूनी चोट से हुई है और जब यह बच्चा मर गया होगा पुलिस लाकअप में तो इसको ला करके रेलवे ट्रैक पर फेंका गया होगा पुलिस के द्वारा जिससे कि उसे आ, सुसाइड माना जाए आत्महत्या का केस मान लिया जाए अतः ऐसी स्थिति में जो राज्य सरकार उत्तरदायी है परंतु राज्य सरकार की तरफ से उड़ीसा राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो तर्क प्रस्तुत किया गया कि जो कार्य पुलिस कर रही थी पुलिस किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए इंट्रोगेशन के लिए वह बुला सकती है और पूछताछ कर सकती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ तक का जो कार्य है यह तो यह तो सौर फंक्शन हम मान सकते हैं यह हम यह लाफुल एक्ट माना जा सकता है कानून परमिट करता है पुलिस को कि अपराध के अन्वेषण के लिए वह किसी से पूछताछ कर सकती है परंतु तो इसके पश्चात का जो कार्य है कि पूछताछ वह पुलिस थाने बुलाती है पूछताछ करती है पूछताछ के पश्चात का जो एक्ट है दैट एक्ट नॉट बी कंसिडर्ड एज सौर फंक्शन उसको हम संप्रभु करार नहीं मान सकते उसको हम लाफू लायक नहीं मान सकते जो कस्टडी में डेथ हुई है वायलेंस हुआ है वह उसका हिस्सा नहीं है अतः वह जो कार्य हुआ है वह रांगपू लायक्ट है और पुलिस जो भी पुलिस कांस्टेबल और थाना प्रभारी हैं उनको उस बालक की मृत्यु के लिए उत्तरदायी माना जाए उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की जाए और मृतक की मां को नीलावती बेहरा को इसके लिए संबंधित राज्य सरकार कंपनसेशन प्रदान करे प्रतिकर प्रदान करे तो प्रद उस मामले में नीलावती बेहरा के मामले में एक लाख पचास हजार रुपये राज्य सरकार को निर्देशित किया गया कि वह मृतक की मां के खा मतलब बैंक अकाउंट में जमा करे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इस केस से निकल कर के आया कि स्टेट की लाइबिलिटी होगी स्टेट उत्तरदायी होगा राज्य अपने इस संवैधानिक दायित्व से पीछे नहीं हट सकता कि उसके कर्मचारी या लोक सेवकों के द्वारा कोई दोषमण कार्य किया जाता है तो वह राज्य उत्तरदायी नहीं होगा जैसा कि आप जानते हैं इंग्लैंड में एक सिद्धांत था किंग कैन डू नो नोरंग सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता एक वहां मैगजीम थी एक इस मैगजीम को आप ये देखें कि किंग कैन डू नो नोरांग सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता इसका तात्पर्य था कि नाइदर किंग नॉर हिज रिप्रेजेंटेटिव कुड बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी सिविल रॉन्ग कमिटेड बाई द रिप्रेजेंटेटिव न तो सम्राट के विरुद्ध कोई वाद दायर किया जा सकता था इंग्लैंड में न तो सम्राट के प्रतिनिधियों के विरुद्ध सरकारी सेवकों के विरुद्ध कोई भी अपराध कोई भी कार्रवाई की जा सकती थी जो सम्राट अर्थात इंग्लैंड में कॉन्सेप्ट था कि जो सम्राट के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा कोई सिविल रॉन्ग कमिट किया जाता है दोषपूर्ण कार्य किया जाता है तो उनके विरुद्ध आपराधिक या अप्रकृत्यात्मक कार्रवाई टॉर्टियस लाइबिलिटी फिक्स नहीं हो सकती है अब ये सिद्धांत ये इस प्रकार की जो सम्राट को विशेष इम्यूनिटी थी स्पेशल प्रिविलेज था उसको ब्रिटेन की संसद ने 1947 में क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 पारित करके समाप्त किया आप ये देखें जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है इंग्लैंड की वहाँ पे विधि का शासन था ये सिद्धांत था कि किंग कैन डू नो रॉन्ग ये लैटिन मैगजीन कब से चल चलती आ रही थी और इसको समाप्त किया गया नाइनटीन में वो कानून बनाया ब्रिटिश संसद ने उस कानून का नाम है द क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 अर्थात उस अधिनियम के द्वारा जो 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कानून बनाया ब्रिटेन के लिए कि अब 1947 के पश्चात ब्रिटेन में भी ब्रिटेन में भी सम्राट और उसके प्रतिनिधियों को किसी भी दोषपूर्ण कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा तो ये इस कितना डेवलपमेंट की विकास हुआ है आप इंग्लैंड के कानून को देखें भारत के कानून को देखें वही कानून बना रहे थे आ, इंडिया के लिए तो कितने लिबरल रहे होंगे इस बात का अंदाज़ा आप इसी इसी कानून से लगा सकते हैं कि उन्होंने उन्नीस में जाकर के उस प्रैक्टिस को उस प्रथा को समाप्त किया है अपने यहाँ तो कहने का तात्पर्य है कि हम भारतीय संदर्भ में यदि देखें तो नीलावती बेहरा का केस हो गया कस्टोडियल वायलेंस की केस में स्टेट की लाइबिलिटी को फिक्स करेंगे स्टेट लाइबिल है और राज्य को तरदाई ठहराया जा सकता है ठीक उसी प्रकार से एक केस स्टेट uh, लाइबिलिटी को लेकर के और आया जो स्क्रीन पर आप देखें खत्री बनाम बिहार राज्य ए आई आर नाइनटीन सुप्रीम कोर्ट उन्नीस है खत्री वैसे स्टेट ऑफ बिहार 1980 सुप्रीम कोर्ट दिस केस इज आल्सो रेफर पॉपुलरली रेफर्ड एज भागलपुर ब्लाइंडर पिजनर केस uh, खत्री का भी जो केस है ये भी स्टेट लाइबिलिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केस माना जाता है मैंने आपको बताया था कि कस्टोडियल वायलेंस के लिए ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए आर्टिकल 21 संविधान के लिए पीआईएल 32 एल जनहित याचिका के लिए एक केस इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर इस केस को रेफर करने का तात्पर्य क्या था कि स्टेट की लाइबिलिटी इसमें भी फिक्स हुई थी राज्य के पुलिस अधिकारियों पुलिस कर्मचारियों को जो उस घटना में इन्वॉल्व थे उनको भी उनके विरुद्ध भी आपराधिक कार्रवाई की गई उनको भी उसके लिए उत्तरदायी ठहराया गया और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें भी बिहार राज्य सरकार के द्वारा उच्चतम न्यायालय में सौरेन फंक्शन के सोरेन इम्यूनिटी को क्लेम किया गया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया तो संक्षेप में मैं इस केस के फैक्ट को बताऊं कि खत्री बनाम बिहार राज्य के मामले में कुछ संदेहास्पद व्यक्तियों को जो पुलिस को ऐसा प्रतीत था कि चोरी करने में या अपराध करने में इन्वॉल्व थे उनको पुलिस थाने बुलाया गया और उनको गिरफ्तार करके पुलिस ला उनको गिरफ्तार करके पुलिस लाकअप में रखा गया और पूछताछ अन्वेषण के नाम पर उनके विरुद्ध उनकी आँख में उनकी आँखें फोड़ दी गई उनकी आँख में एसिड जो है डाल दिया गया इस अमानवीय कृत्य को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संज्ञान लेते हुए जब इस मामले में चूंकि वे अपने मामले को न्यायालय के समक्ष नहीं ला सकते निर्धन थे गरीब थे इन सब इन लोगों के मामले को कपिला हिंगोरानी एक वहाँ की याचिकाकर्ता उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराया कि इस मामले में एक कस्टोडियल वायलेंस का केस है और ये बर्बरता जो हुई है कस्टोडियल जो अभिरक्षा में हिंसा हुई है इसके लिए स्टेट इस को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए और संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस मामले में भी राज्य सरकार के उन पुलिस अधिकारियों को जो उस घटनाक्रम में सम्मिलित थे सभी को आइडेंटिफाई करते हुए निर्देशित किया गया कि राज्य सरकार उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई करे और जो पीड़ित हैं उनका निःशुल्क इलाज किया जाए और उन्हें प्रतिकर प्रदान किया जाए कंपनसेशन प्रदान किया जाए जितना भी उनका नुकसान हुआ है उनकी जो किसी की आँख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई कुछ को पार्सली जो है ब्ला, ब्लाइंड हो गए थे उनको उतना कंपनसेशन प्रदान किया जाए और राज्य सरकार को इस मामले में भी कंपनसेशन क्षतिपूर्ति देना पड़ा तो आप ये देखें कि ये जो जितने भी केसेस हैं इन केसेस इन आ, केस के आधार पर हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो स्टेट लाइबिलिटी है राज्य को उत्तरदायी ठहराया गया है इन मामलों में और स्टेट की जो लाइबिलिटी है उनके रिप्रेजेंटेटिव ने उनके से लोक सेवकों ने सरकारी कर्मचारियों ने सरकारी कर्मचारी से तात्पर्य वह कोई भी व्यक्ति होंगे जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं यदि सरकार के लिए काम कर रहे हैं और उनके द्वारा कोई गलती होती है उनके द्वारा ब्रीच ऑफ लॉ होता है कानून का विखंडन होता है तो उनको भी उत्तरदायी ठहराते हुए और राज्य को भी उत्तरदायी ठहराएगा जिस स्टेट के लिए वे काम कर रहे हैं दूसरी बात यहाँ पे एक क्लियर स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि जब राज्य स्टेट कंपनसेशन देती है ऐसे मामलों में तो आपको जानकारी आश्चर्य होगा कि स्टेट ऐसे अपने कर्मचारियों से लोक सेवकों से उनके वेतन से उतना पैसा कटौती कर लेती है काट लेती है कि चूंकि आपके द्वारा हमको इतना हरजाना देना पड़ रहा है कंपनसेशन देना पड़ रहा है तो क्यों ना आपके वेतन से इतनी पैसे मासिक रूप से वह कैलकुलेशन वह कैलकुलेट कर लेते हैं क्या क्राइटेरिया कैसे होगा उतनी धनराशि उन पुलिस कर्मचारियों के से काट ली जाएगी जो उस घटना में इन्वॉल्व होते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना ऐसे डॉक्टर हैं जो चिकित्सक हैं अगर सरकारी चिकित्सक हैं सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जिला अस्पताल में वह आप देखे होंगे कोई ऑपरेशन करते हैं तो प्राय आता है कि वो ऑपरेशन के दौरान पेट में कुछ काटन या रुई ऐसी छूट गई तो उनको मेडिकल नेग्लिजेंस की श्रेणी में लाया जा सकता लापरवाही है ये लाइक ऑफ सर्विस है कि डॉक्टर के द्वारा जो है वह ड्यू केयर एंड कासन नहीं लिया गया जो उनसे अपेक्षित है मेडिकल साइंस में जो वो जिसके लिए वह मतलब उचित सावधानी एवं सतर्कता के साथ कार्य नहीं किए इसलिए ऑपरेशन के दौरान अगर उन्होंने कुछ किसी मरीज के पेट में ऑपरेशन के दौरान कुछ छोड़ दिया है या ऐसा ऑपरेशन किया है जो सक्सेसफुल नहीं हुआ और साबित हो गया कि दूसरे जगह अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट या अल्ट्रासाउंड में आया कि नहीं ऐसा तो उसके लिए हम उस चिकित्सक को भी उत्तरदायी ठहराएंगे और ठहराया गया है उनको भी कंपनसेशन छतपुर देने के लिए वाद्य विवस किया जा सकता है अब इसके दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है स्लाइड पर आप स्क्रीन पर आप देखें संप्रभु उन्मुक्ति का सिद्धांत तथा मूल अधिकार फंडामेंटल राइट मैंने इसको लिखा है डॉक्ट्रिन ऑफ सोरेन इम्यूनिटी एंड फंडामेंटल राइट दो चीज़ें इसमें हैं एक आपने देखा होगा दिल्ली में सभी छात्र अवगत होंगे कि दिल्ली में एक उपहार सिनेमा हुआ करता था उस उपहार सिनेमा में एक हादसा हो गया एक घटना घटित हो गई जिसमें कि 59 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी दम घुटने से एग्जिट जो है उसमें एक ही एग्जिट था और सार सर्किट होने से इतने धुएं उसमें हो गए कि लोगों की दम घुटने से भगड़ मच गई लगभग उसमें फिफ्टी नाइन व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और एक सौ तीन व्यक्ति घायल हो गए अब इस मामले को जो जिस जिन लोग जो जो, जो लोग मरे थे उसमें और जो घायल थे उन लोगों ने अपना एक यूनियन बना लिया संघ बना लिया उसका नाम था उपहार दुर्घटना पीड़ित संघ केस का नाम देखें भारत संघ बनाम उपहार दुर्घटना पीड़ित संघ ए आई सुप्रीम कोर्ट तो उपहार जो सिनेमा हॉल के जो पीड़ित थे उन्होंने एक संघ बना लिया यूनियन बना लिया उन्होंने केस फाइल कर दिया कि ये प्रशासन की लापरवाही है उन्होंने ये सुनिश्चित नहीं किया कि उनके जो शॉर्ट सर्किट होंगे या वो सब वायर सही हैं या नहीं सही हैं समीप में उनके पास कोई एग्जिट तो यह राज्य की जवाबदेही है कि जो उसमें मनोरंजन कर अधिकारी होते हैं इंटरटेनमेंट टैक्स लेते हैं उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी सिनेमा है उसके लाइसेंस देने देते समय लाइसेंस उन्हीं को दें जो उस शर्तों को पूरा करता हो इत्यादि इन आधारों पर इस उपहार सिनेमा पीड़ित संघ के द्वारा मुकदमा दायर किया गया कि उन्हें क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाए वर्ष 2012 में इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के द्वारा संप्रभु संप्रभु फंक्शन सौरेन फंक्शन के बचाव को अस्वीकार करते हुए निर्णित किया कि यह लापरवाही है और उनको कंपनसेशन दिया जाए जो पीड़ित जिसकी मृत्यु हो गई है उनके परिवार वालों को जो घायल थे उनको भी उसी अनुपात में प्रतिकर देने के लिए छतपूर्ति देने के लिए निर्देशित किया गया तो ये एक केस दूसरा केस आप स्क्रीन पर देखें अमिताभ ठाकुर बनाम जम्मू कश्मीर राज्य ए आई इसमें भी संप्रभु उन्मुक्ति का लोक विधि में प्रतिरक्षा के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सॉवरेन इम्यूनिटी है इसको हमने कभी का त्याग दिया है इस आधार पर आप गवर्नमेंट अपनी लाइबिलिटी से स्केप नहीं कर सकती है उसकी उसको उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा और यदि ये, ये पाया गया कि स्टेट का कोई भी ऑफिशियल या कोई भी स्टेट सर्वेंट दोषपूर्ण कार्य किया है तो हम संप्रभु कार्य के आधार पर उसको क्षम नहीं कर सकते लोक विधि में यह प्रतिरक्षा नहीं है कोई डिफेंस नहीं है और वह सरकार संबंधित राज्य सरकार उत्तरदायी होगी उसके कर्मचारी या लोकसेवक उत्तरदायी होंगे जो उस केस में इन्वॉल्व होंगे अब इसके पश्चात आते हैं एक अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट केस इसमें आप देखें एस नाम्बी नारायण वर्सेस सीबी मैथ्यू ए आई आर टू थाउजेंड एटीन सुप्रीम कोर्ट अब यह भी एक बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट केस है एस नाम्बी नारायण वर्सेस सी मैथ्यू इसमें देखिए मैंने आपको स्क्रीन पर लिखा है कि जो अपीलार्थी पेटिशनर है यश नंबी नारायण इस एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं भारत के इसरो के साइंटिस्ट थे और इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि ये इसरो के वैज्ञानिक रहते हुए इन्होंने इसरो की जो गोपनीय दस्तावेज पाकिस्तान के साथ शेयर किए हैं गोपनीयता कुछ गोपनीय इन्फॉर्मेशन लीक किया है इन्होंने इसरो की इस आधार पर इनको अरेस्ट कर लिया गया गिरफ्तार कर लिया गया और ये पचास दिन तक जो है जेल में रहे मैंने नीचे उसमें लिखा हुआ है स्क्रीन पर कि इनको पचास दिन तक जेल में रहना पड़ा और सीबीआई ने जब इंक्वायरी की तो सीबीआई ने साक्ष्य पर्याप्त नहीं माना केरल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और इनको पचास दिन तक जेल में रखा गया जब मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया गया तो सीबीआई ने साक्ष्य पर्याप्त नहीं माना और इनके कहा कि इनके विरुद्ध कोई साक्ष्य पर्याप्त नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने केरल राज्य को निर्देश दिया कि अपीलार्थी को 50 लाख रुपए कंपनसेशन दिए जाने का निर्देश दिया और कहा कि यह संविधान के आर्टिकल 21 का वायलेशन है आप इसरो के इतने बड़े वैज्ञानिक को एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक को जो उसको मेंटल ट्रामा हुआ है जो उनको मानसिक क्षति हुई है यह उनके राइट टू यह मानव गरिमा के साथ जीने के अधिकार जो संविधान के आर्टिकल इक्कीस द्वारा प्रत्याभूत है यह उसका उल्लंघन है अतः संबंधित राज्य सरकार इसके लिए उत्तरदायी होगी और जो अरेस्टिंग ऑफिसर हैं जिन पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है साक्ष के अभाव में गिरफ्तार किया है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी चाहिए तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप ये देखें जो राज्य का दायित्व तो है स्टेट लाइबिलिटी है यदि स्टेट ऑफिशियल्स के द्वारा इसरो के जैसे वैज्ञानिक को मातृस आधार पर अरेस्ट कर देना इनका मामला बहुत उसमें लगभग एक करोड़ रुपया इनको प्रतिकर देने की बात फिर बाद में पचास लाख हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल इस जो राज्य है यह इस वैज्ञानिक को पचास लाख रुपए कंपनसेशन दे क्योंकि यह स्टेट ऑफिशियल की जो रंग दोषपूर्ण कार्य है क्योंकि सीबीआई ने इनके विरुद्ध पर्याप्त साच नहीं माना और किसी भी व्यक्ति को आप बिना पर्याप्त सांच के पचास दिन तक उसको उनको जेल में रखें यह उनके मानव गरिमा के साथ जीने के अधिकार से उनको वंचित करना है तो इस स्टेट की लाइबिलिटी इस मामले में भी फिक्स की गई ये सबसे जुलंत मामला है अभी हाल ही का मामला है आप इसको देखें तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतिम रूप से यह निर्णय किया गया कि नाम्बी नारायण जो इसरो वैज्ञानिक हैं इनको गलत आधारों पर गिरफ्तारी हुई और इस मामले में राज्य सरकार के द्वारा जो संप्रभु सौरेन इम्यूनिटी का बचाव है वह प्लीट करने नहीं दिया जाएगा वह उसको बचाव उसका बचाव नहीं ले सकते तो आपने देखा कि जो स्टेट लाइबिलिटी है इस केस के माध्यम से अगर विश्लेषण करें तो आप ये पाएंगे कि न केवल वैज्ञानिक इसरो के जैसे वैज्ञानिक बल्कि कई ऐसे मामले हैं चाहे वह भागलपुर कांड हो चाहे नीलावती बेहरा का केस हो ऐसे मामलों में स्टेट की लाइबिलिटी फिक्स हुई है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्य के तरफ से कार्य किए गए राज्य के बिहार पे काम किए गए कोई भी कर्मचारी या किसी भी आ, लोक सेवक को इस आधार पर क्षम्य सुप्रीम कोर्ट ने क्षमा प्रदान नहीं किया कि वे संप्रभु कार्य का निष्पादन कर रहे थे इसलिए उनको क्षमा प्रदान कर दी जाए इसके पश्चात जो है आप देखें एक केस बिहार का ही है पी बनाम स्टेट ऑफ बिहार ए आई आर इस केस में भी मैं आपको इसी स्क्रीन पर ही लिख दूँ पी यू डी आर वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार ए आई आर नाइनटीन एटी सेवन सुप्रीम कोर्ट ए नाइनटीन एटी सेवन का केस है सुप्रीम कोर्ट अब आप देखें पी यू डी आर जो लिखा हुआ है वो भी एक एन जी ओ है गैर सरकारी संस्था है एन जी ओ है पुल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट अब इस केस में भी क्या घटना घटित हुई कि बिहार में गांधी मैदान वहां पर एक है उस स्थान पर लगभग 700 किसानों ने निर्धन किसानों ने अपनी मांगों को लेकर के वहां पर एकत्रित हुए थे इकट्ठा हुए थे और पुलिस के द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के उस शांतिपूर्वक जो पीसफुली पीसफुली जो वो एजिटेशन हो रहा था शांतिपूर्वक जो अपनी मांगों को वहाँ पर धरना कर रहे थे उस शांतिपूर्वक लगभग छः से सात सौ किसान इकट्ठा हुए थे उनमें पुलिस ने उनमें बिना किसी पूर्व सूचना के उनमें फायर कर दिया जिसमें कि बच्चे कई छोटे बच्चे और महिलाओं की भी मृत्यु हो गई थी चूँकि वे निर्धन वे किसान न तो अपने अधिकार के प्रति उनको न तो ये मालूम था कि इसको किस केस को कहाँ ले जाया जाए न तो वे आर्थिक रूप से इतने सक्षम थे कि वे अपनी लड़ाई या अपने अधिवक्ता को अपॉइंट को अपने अधिवक्ता नियुक्त कर सकते थे कोर्ट में न्यायालय में इनके मामले को एक संस्था ने पी जिसका नाम है ये संस्था उन सभी किसानों की तरफ से मामले को उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित कराती है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किसानों की तरफ से दायर की गई याचिका को पी की याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्णित किया कि संबंधित राज्य सरकार उस घटना के लिए उत्तरदायी है और जो भी पुलिस अधिकारियों ने बिना पूर्व सूचना के उस शांतिपूर्वक बैठी हुई सभा पर गोली चलाए हैं जिसमें मृत्यु हुई है उन परिवारों मृतक परिवारों को जो उसमें घायल हुए हैं उन परिवारों को प्रतिकर प्रदान किया जाए और इसे मानवाधिकार का उल्लंघन मानते हुए भारतीय संविधान के आर्टिकल ली द्वारा प्रत्याभूत जीवन के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए संबंधित राज्य को उत्तरदायी ठहराया जाए और जितने भी उस मामले उस घटना में जितने पुलिस कर्मचारी अधिकारी इन्वॉल्व थे जिन्होंने अवैध आदेश दिया और अवैध आदेश का जिन पुलिस अधिक कर्मचारियों ने पालन किया उनके विरुद्ध भी आपराधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय को संसूचित किया जाए कि इसमें क्या कार्रवाई हुई है तो इस केस में भी आप देखें कि बिहार राज्य सरकार को उसके लिए उत्तरदायी ठहराया गया स्टेट लाइबिलिटी फिक्स हुई तो कहने का तात्पर्य है कि यदि स्टेट के रा, राज्य के द्वारा राज्य के किसी भी कर्मचारी या रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में अगर कोई भी ऑफिसियल लोकसेवक कोई दोषपूर्ण कार्य करता है तो उस दोषपूर्ण कार्य के लिए न केवल वह व्यक्ति न केवल वह लोक सेवक उत्तरदायी होगा बल्कि उसी के द्वारा किए गए दोषपूर्ण कार्य के लिए स्टेट की भी लाइबिलिटी होगी राज्य भी उत्तरदायी होगा और स्टेट को कंपनसेशन देना होगा क्षतिपूर्ति देनी होगी ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया इस व्याख्यान के अंतर्गत और मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी मैंने इस स्लाइड के माध्यम से राज्य के द्वारा संविदा और राज्य के विरुद्धवाद को बताने का प्रयास किया इसमें मैंने रुदल शाह की केस से लेकर के भीम सिंह की केस से लेकर के और नीलावती बेहरा की केस को लेकर के पी यू डी आर स्टेट ऑफ बिहार की केस को लेकर के नामवी नारायण की केस को लेकर के जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया नाम्वी नारायण केस को लेकर के ये बताने का प्रयास किया कि स्टेट की लाइबिलिटी दोषपूर्ण कार्य के लिए रंगफुल एक्ट के लिए स्टेट भी उत्तरदायी होगा मैंने विद्यावती बनाम राजस्थान राज्य से शुरुआत किया था उस केस को हमेशा कोर्ट करना चाहिए कस्तूरी लाल वर्ष स्टेट ऑफ़ यूपी को मैंने कोर्ट किया रेफर किया कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बार संप्रभु सोरेन फंक्शन को एक्सेप्ट कर लिया था गवर्नमेंट को तो विद्यावती विद्यावती वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान कस्तूरी लाल वर्सेज इस्टेट ऑफ यूपी नीलावती बेहरा वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा पीयूडीआर यू डी वर्सेज इस्टेट ऑफ बिहार खत्री वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार नाम्बी नारायण वर्सेज़ एस पी मैथ्यू ये मैंने लगभग आपको इसमें दस केस ऐसे बताए होंगे जिन केस के माध्यम से शहरी वर्सेज पुलिस कमिश्नर दिल्ली पी यू डी आर वर्सेज डेली पुलिस कमिश्नर ये ऐसे करीब दस या बारह ऐसे केस हैं और भी इस पर केसेस हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण केस हैं उसको उसके माध्यम से रुदल शाह का केस है भीम सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का केस है तो इन केस के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया कि यदि स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा दोषपूर्ण कार्य किया जाएगा तो स्टेट उसके लिए प्रतिनिधि रूप से उत्तरदायी होगी और स्टेट को सौरेन इम्यूनिटी का बचाव सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में इन केसेस में नहीं प्रदान किया और स्टेट को उन अपरा उन अपने ऑफिशियल के द्वारा किए गए दोषपूर्ण कार्य के लिए उत्तरदायी माना तो मैं समझता हूं कि इस व्याख्यान के माध्यम से जो मैंने संविधान के आर्टिकल दो सौ निन्यानवे टू नाइन्टी नाइन के अंतर्गत स्टेट कॉन्ट्रैक्ट को बताया और संविधान के आर्टिकल थ्री हंड्रेड के अंतर्गत जो स्टेट की लाइबिलिटी को मैंने बताया कि स्टेट कैन सू एंड कैन बी शूड उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकता है और वह स्वयं वाद ला सकता है पूरी तरीके से जितने भी इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन है सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज हैं उसको बताने का प्रयास किया है तो मैं इस आशा और उम्मीद के साथ कि इस व्याख्यान से आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे और राज्य के कर्मचारियों के प्रतिनिधिक दायित्व तो क्या है स्टेट लाइबिलिटी क्या है इससे संबंधित उच्चतम न्यायालय के निर्णय क्या हैं न केवल प्रारंभिक परीक्षा में बल्कि आप मुख्य परीक्षा में भी रिटर्न टेस्ट में भी यदि इन सूचनाओं को इस रूप में लिखेंगे तो मैं नहीं समझता कि कहीं से कोई कमी रहेगी सारी सूचनाएं मैंने इससे संबंधित आपको देने का प्रयास किया है यदि इतने केस आप संक्षेप में याद कर लें और क्या तथ्य घटित हुआ क्या इसमें निर्णय आया तो निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे और स्टेट लाइबिलिटी से संबंधित कोई भी प्रश्न कर पाएंगे चाहे किसी प्रकार की कोई परीक्षा हो इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं इस व्याख्यान को ही समाप्त करता हूँ थैंक यू धन्यवाद